हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है गगन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेन्यू की, जो स्टॉक हेडलाइट में हमें बल्ब मिलते हैं उसकी क्या थ्रू आपको मिलती है, और इससे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपको हेडलाइट अपग्रेड करनी पड़ेगी। हमारे अकॉर्डिंगली तो इसको अपग्रेड करके हमने देखा भी था LED वाले में, बट इसके आगे हम बात करेंगे एक बारी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने देखा अभी पार्किंग लाइट से, हमने आउटसाइड से दिखाया आपको कि क्या लाइट आपको प्रोवाइड करती हैं जो हैलोजन स्टॉक बल्ब आते हैं कार के साथ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी ये लो बीम पे हमने दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या आपको एग्जैक्टली हेडलाइट पे थ्रो, या आपको हेडलाइट रात को ड्राइविंग के टाइम पे कितना आपको लाइट मिल पाएगी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हाईवे राइड्स पे ये जो आपको लाइट्स दी गई हैं ये स्पेसिफिकली बिल्कुल भी सफाइज नहीं करती जो इनका पर्पस है। फिर तो हम चालू करके दिखाएंगे आपको। और ये देखिए, अब हाई बीम है और ये नॉर्मल लो बीम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या आपको एग्जैक्टली थ्रो मिलता है वेन्यू एस और ई मॉडल में जो हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड लैम्प्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी होगी। और अगर आप अपग्रेड करते हैं LED भी, तो उसके लिए भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे आपको अपग्रेड करने के बाद भी इतनी अच्छी थ्रो नहीं मिल पाती सिटी के लिए। हालांकि अगर आप चलाते हैं बहुत ज़्यादा तो आपके लिए सफाइस करेगी, बट अगर आप हाईवे राइड्स को इसके अंदर सोचेंगे कि आप बड़े आराम से रात को इसको ड्राइव कर पाएंगे, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल सकें, क्योंकि एक दो बारी ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। तभी मुझे लगा कि आपके साथ भी ये जो इंसिडेंट्स हैं आपको शेयर करके थोड़ा सा क्लैरिटी आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि आप भी एट द एंड ऑफ द डे एक डिसीजन लेंगे कार लेने में। रही बात जो आपके प्रोजेक्टर बेस्ड लैम्प्स मिलते हैं आपको टॉप मॉडल पे या एस प्लस मॉडल में, उसमें भी कई ओनर्स की ये प्रॉब्लम आई है। मैंने बहुत सारे ओनर से बात भी करी थी और उन्होंने बोला है कि हाईवे राइड्स के लिए लाइट सफाइस नहीं करती उसके लिए भी, लेकिन उनके पास ऑप्शन है HID में जाने के लिए। बट जो रिफ्लेक्टर बेस्ड आपके लैम्प्स आते हैं उसमें आप HID लगाएंगे तो इतनी अच्छी आपको थ्रो उसमें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्टर बेस्ड लैम्प में ही बेटर रहती है HID के लिए। तो आपके पास या तो हेलोजन बल्ब्स को ही इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी आपको इसकी हायर वॉटेज वाले जो बल्ब आते हैं उसमें जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको रिले लगानी पड़ेगी। और जो नॉर्मल ओनर है वो नहीं चाहेगा कि एक हेडलाइट के लिए अपनी वायर कटिंग या वायर में कोई छिड़का नहीं करवाएं, जिससे कि उसको कल को वारंटी में प्रॉब्लम आए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नई वीडियोस के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी दे सकते हैं और अगले जो टॉपिक्स हैं वीडियो के लिए उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।